हारता है, शेरनी सिर्फ पंजा मारती है तो हारती नहीं है। वही तो दिखने को आ गया विधानसभा में, विधानसभा में दिखने को आ गया। एक साल से हमारे भैया तो हार रहे थे, तो सरकार तो सुन ही नहीं रहा था। एक दिन कहा हम कुछ बोल दिए, पूरा आइटम ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब तो भाई मचने लग गया है। एक प्रकार से पंजा है, शेरनी पंजा मारती है तो हारती नहीं है। नोट के नशाला का कलेजा निकाल लेंगे एकदम। क्या समझ के रखा है अपना झारखंड को? क्या वो लोग दहेज में लेके आया था यहाँ, जो झारखंड में यह राज चलाएगा? झारखंड सिर्फ झारखंडियों का है, किसी का बाप का नहीं है यहाँ। कोई दहेज में नहीं लाया था, सिर्फ और सिर्फ झारखंडियों का है। हम लोग झारखंडियों, यही हमारे झारखंडियों का एक एक बच्चा का रगों में यही खून दौड़ रहा है। हम लोग अपना अधिकार मर के छीन के काट के लेंगे, लेकिन दूसरों का अधिकार की तरफ हम लोग घूम के भी नहीं देखेंगे। हम लोग दूसरों की तरफ नजर नहीं डालते हैं। हमें तो अपना चाहिए, बस अपना, किसी और का नहीं चाहिए हमें। हम लोग को नहीं चाहिए वैसे किसी का। अगर आप लोगों को नीति बनाने नहीं आता है सरकार, तो आपसे चुनौती है, सरकार कुर्सी छोड़ दीजिए, हम लोग बना लेंगे अपना नीति। अगर बोला जाता है कि भारत एक देश है, अगर भारत एक देश है, हम भी मानते हैं भारत एक देश है, जाकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से कहिए कि भारत को राज्य में विभाजित नहीं करेंगे। कोई भी कहीं भी जाके नौकरी कर सकता है, कोई भी कहीं भी जाके रह सकता है। तो क्यों ऐसे राज्य में विभाजित किया? और राज्य में जब विभाजित किया तो हम लोग का राज्य किया बाबा जी का ढाबा समझ के रखा है कि कोई भी आके यहाँ पर घुसेगा और कोई भी आके यहाँ पर अपना नौकरी करेगा, यहाँ अपना घर परिवार बसाएगा। ऐसे हम लोग अगर हुआ ना, एक बेबी महतो को ले जाओगे जल, हजार बेबी महतो निकलेगी। आप कितना को ले जाओगे, आप कितना को रखोगे? हर एक झारखंड की बेटी निकलेगी, हर एक माता, हर एक बहन के उस दिन आंसू को फोड़ने के बाद जब बच्चों के आंखों में आंसू निकलने लगा, उसके बाद वो बच्चों को बेरहमी से नहीं मारते हैं, बच्चों का हाथ नहीं तोड़ते, बच्चों का सिर नहीं फोड़ते। क्या वो बच्चा आज एसआई का फॉर्म निकलेगा तो भर सकेगा? क्या उसके जिम्मेवार सरकार होगा? क्या उसके जिम्मेवार पुलिस प्रशासन होगा? और जब यही चीज के लिए किसको नहीं गुस्सा लगेगा इसमें? और जो मेरा बयान था वो कंडीशनल बयान था, किसी को भी पीटा जाएगा, कोई भी अपना भाइयों को इस तरह से पीटते हुए देखेगा तो किसी के जुबान से निकलेगा। अब मेरा सच तो कम था, इसे तो और ज्यादा बोलना चाहिए था। और आप सबसे एक ही कहना है मेरा, जितना और उसी चीज के बयान से सबने ट्रोल करना शुरू कर दिया कि बेबी मातों के नाम पे एफआईआर दर्ज होना चाहिए, बेबी मातों के नाम पे एफआईआर दर्ज होना चाहिए, वो असंवैधानिक बोलिए। तो कहते हुए मंत्री, अगर मेरा साथ असत था तो बन्ना गुप्ता, सिकरी सिंह और वीरेंद्र नारायण जो मुख्यमंत्री को या विधानसभा के अंदर या 3 करोड़ जनता का विद्वास है, वहाँ पर नमर्द कहा है, किसी का दम है कि उनको कोई एफआईआर होता है? और आज हमें पैसा है, बेरोजगार छात्र है, तो हमारे नाम से एफआईआर दर्ज मांगता है? अगर आप लोगों में झारखंडी का खून दौड़ता है आपके रगों में, तो जाके ट्रोल कीजिए उस मंत्री को जो तलब बिहार से आके यहाँ पर अपना रब रबाया जमा के रखा है। वहाँ तो उसको गन्ना छीलने का काम नहीं मिला था, यहाँ पर आके बन्ना गुप्ता एकदम अपना राज सिंहासन लेके बैठा है। आप लोग यही सब सहते रहेंगे? अब और नहीं सहना है, अब हमारा दिन आ चुका है, अब एकदम पलट कर जवाब देना है। और उन मंत्रियों से कहना है, सुनो मंत्रियों, हम झारखंडियों में अगर सहन करने की ताकत है तो हम लोग आपको उखाड़ के फेंकने का भी हिम्मत रखते हैं, आपको तबाह करने का भी हिम्मत रखते हैं। अब क्या भोले वाले जनता को ठगेंगे सोचते हैं? आप झारखंड में नहीं रहा भोले वाले जनता आपको ठगाने के लिए। अगर आप हथियार उठाएंगे तो हम लोग जुबान क्या, हम लोग भी कलम छोड़ के आपके खिलाफ में हथियार उठा देंगे। आप हम लोग को मारने के लिए आ रहे हैं तो हमारे भी हाथ है, हमारा भी तीर धनुष है, हमारा भी तलवार है। अगर आप दिमाग से चलाएंगे दिमाग, तो हमारे पास भी दिमाग है कि आपको हम कैसे चलिए। हमारा अधिकार है, हम लोग कुछ भी करें, हम लोग कुछ असंवैधानिक नहीं किए। बताइए किसी का यहाँ पे मारपीट हुआ? किसी ने किसी को मारा? नहीं मारा। लेकिन कल का लाल झंडे वाला रैली में मुखिया जी को मारा गया है, वहाँ के सीओ को मारा गया है, हसा में जाके देख लीजिए, आज वहाँ नाकाबंदी करके रखा है। और हमारा किसी को नहीं हुआ है। तो आप लोग से सबसे निवेदन है कि आप लोग का सिर्फ आपका अकेले का लड़ाई नहीं है, जितने ये माता पिता है सबका लड़ाई है। अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे सिर्फ नियोजन नीति का लड़ाई है, तो सुनिए आप लोग, ये सिर्फ नियोजन नीति का लड़ाई नहीं है। आज नियोजन नीति 740 हुआ नहीं है, हम लोग के नाम पे एफआईआर दर्ज किया है। हम लोग वोट के बदले अपना अधिकार मांगने गए थे, हम लोग पे एफआईआर दर्ज किया है।
और कितना झूठा एफआईआर दिया है, जबरन विधानसभा में घुसा है, जबकि हम लोग विधानसभा से 500 मीटर की दूरी पे थे। और एक एफआईआर और क्या लिखा हुआ है कि पुलिस वालों पर हमला किया है। कितनी शर्म की बात है, एफआईआर लिखने वाला कितना मूर्ख है, कितना गधा है। पता नहीं कौन सा स्कूल में कौन सा कॉलेज में पढ़ लिख के बड़ा हो गया, पता नहीं कौन उसको अफसर बना दिया। ये तो कितनी शर्म की बात है, सबको सबको धिक्कारना चाहिए। मैं भी एक एनसीसी कैडेट हूँ, मुझे भी मालूम है राइफल का नाम क्या है, ठीक है। और आप लोग पुलिस प्रशासन के पास लाठी था, हम स्टूडेंट के पास एक बैग, एक कलम और एक कॉपी था, लेकिन फिर भी हमारे नाम कह पा रहे हुआ कि स्टूडेंट पुलिस प्रशासन को पीटा है। कितनी शर्म की बात है, यही है हमारा झारखंड सरकार। अगर आपको नहीं आता सही से झारखंड चलाने तो छोड़ दो कुर्सी, छात्रा एकदम ये है, यहाँ पर इतने छात्र हैं कि सही से लोग अपने राज्य को चला सकेगा। और ये नियोजन नीति अगर लागू होगा तो प्रत्येक छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा भविष्य, नियोजन नीति से सिर्फ वो यहाँ पर नौकरी नहीं करेंगे, बाहर जाके नौकरी करेंगे, नौकरी करने के बाद यहाँ का पैसा लेंगे, यहाँ का पैसा लेके जमीन खरीदेंगे, घर बनाएंगे, अपना परिवार लाएंगे, यहाँ अपना जनसंख्या बढ़ाएंगे, हम लोग को सड़क पे आना पड़ेगा। इसीलिए अभी 2 दिन सड़क पे आइए, जिंदगी भर सुखी जिंदगी।